नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे ट्रिक वीडियोस है आज की, तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या ट्रिक है जिससे बहुत फास्टली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो ये स्टूडेंट है यहाँ पे फर्स्ट के लिए है, ये है आपका 100 से 100 के आसपास का नंबर, 100 के नियरेस्ट नंबर कह सकते हैं आप, ठीक है का नंबर। तो सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 के आसपास का नंबर हमारे पास, सपोज 96 मल्टीप्लाई 98 है। इन कंडीशन में स्टूडेंट्स देखना यहाँ पे कि 100 में कितना कम है स्टूडेंट्स, दिस इज 4, और ये 98 है हमारा, 100 में ये कितना कम है, तो 2 कम है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करना है, या तो ऐसे आप माइनस कर लीजिए या तो ऐसे माइनस कर लीजिए, कैसे भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज यहां से 2 हमने लेस कर दिया तो ये कितना बचा, ये बचा 94, ठीक है। और इसके बाद ये जो नंबर होगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए। सपोज ये 4 × 2 = 8 है, तो 0 और 8 होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर होगा। हमेशा याद रखेंगे, अगर ये सिंगल डिजिट में मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसको डबल डिजिट में हम लिखेंगे, ठीक है। सपोज 1 आता 01 लिखते, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ये 100 में कितना कम है स्टूडेंट्स, सो दिस इज 2, और ये 100 में कितना कम है, दिस इज 7। अब यहाँ पे या तो इसको माइनस कर लेंगे 2, या तो इसको माइनस कर लेंगे, जो इजी पड़ेगा उसको माइनस करेंगे। तो सपोज 93 में से यहाँ पे 2 लेस कर दिया गया, ठीक है, तो क्या बचा 91, और 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है, ये 100 के आसपास का नंबर का ट्रिक है। और भी देखिए एग्जाम्पल, सपोज 95 × 94, तो इन कंडीशन में 100 से कितना कम है ये, तो 5, 100 से कितना कम है ये, तो 6, ठीक है। अब या तो इसके साथ माइनस कर देंगे या तो इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो सपोज यहां पे 5 अगर लेस करते हैं 94 में से, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 89, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रिजल्ट हमारा बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 100 के ऊपर के लिए हम लोग ट्रिक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ पे 100 से ऊपर के लिए, 100 से अगर हमारा ऊपर है संख्या, ऊपर संख्या के लिए, सो स्टूडेंट्स इसका ट्रिक सेम ऐसा ही है, लेकिन वहां पे माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना डिफरेंस है, सपोज हमारे पास 108 है मल्टीप्लाई 107 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये 100 में कितना ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो 8 ज्यादा है, ठीक है। अब ये 100 में कितना ज्यादा है, तो ये 7 ज्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्रॉस करके इसको प्लस कर दीजिए किसी को भी, या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 108 और ये 7, तो ये 8 × 7 = 15, ये हो गया 115, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 56, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया 100 के ऊपर का नंबर के लिए। एक और एग्जांपल, सपोज 102 है और ये 104 है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 2, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 4। किसी को भी आप ऐड कर लीजिए, या तो इसको ऐड कर लीजिए या तो ऐसे, ठीक है। तो ये बनेगा 106, और ये कितना बनाया गया, 4 × 2 = 8, और इसको हमेशा डबल डिजिट में लिखना, 0 8, दिस विल बी योर आंसर। तो बहुत ही मजेदार ट्रिक से, काफी ज्यादा यूजफुल है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, एक सपोज 105 × 106, तो ये 100 में कितना ज्यादा है, 5, और ये कितना, 6। किसी में भी ऐड कर दीजिए, या तो ऐसे या तो ऐसे, 6 × 5 = 11, 111, और ये 6 × 5 = 30, ये स्टूडेंट्स ट्रिक आज का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।